वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जो है वो चांगू लेक से गैंगटॉक के लिए जो है वो निकल गए हैं। रास्ते में जो है हम लोग कुछ और पॉइंट्स पे रुकेंगे, जिसमें कि वाटरफॉल है एक, और जो है पिछले ब्लॉग में जो है आपने जो है वो नथुला पास और जो है कि बाबा हरभजन सिंह टेम्पल और चांगू लेक वो तीनों जो है देखा है। इस ब्लॉग में जो है हम लोग गैंगटॉक जो है रिटर्निंग में जो जो पॉइंट्स करते हैं छोटे छोटे उसको हम लोग देखेंगे। तो बाकी जो पॉइंट्स है उसका जो है ब्लॉग जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस सिक्किम के रोड पे जो है वो आपको सिल्क रूट का जो है वो जगह जगह पे जो है वो निशान देखने को मिल जाएगा। सिल्क रोड जो है वो एक चाइना और इंडिया के बीच में जो है ट्रेड का जो है एक रूट था, जो कि ओल्डेस्ट रूट पे है। अभी जो हम लोग हैं वो टुकला वैली से गुज़र रहे हैं, जो कि 12,500 फीट पे है, और यहाँ से जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों का, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। और ये रोड जो है वो जिगजैग टाइप का वैली है। इस वाटरफॉल का जो नाम है वो कंगुनोसला वाटरफॉल है। चांगू लेक से 9-10 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ही जो है ये वाटरफॉल जो है वो पड़ता है, और गैंगटॉक से जो है इसका डिस्टेंस जो है वो 31 किलोमीटर पड़ता है। क्योंगनोसला एल्पलाइन सेंचुरी के आसपास ही बना हुआ ये वाटरफॉल है, जो कि नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो है कि उसमें आता है ये सेंचुरी। इस सेंचुरी में जो है ये आपको फ्लोरा और फोनोना के जो है वो बहुत सारे जो है प्लांट्स जो है वो दिख जाएंगे। इस सेंचुरी में जो है वो आपको रेड पांडा भी जो है वो भी मिल जाएगा। अगर आप प्लान बना रहे जाने का तो ज़रूर जाएंगे सेंचुरी घूमने के लिए। यहाँ का लैंडस्केप जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप यहाँ पे जो है फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का फ़ोटो जो है वो बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छा व्यू आता है। हम लोग वाटरफॉल से जो है गैंगटॉक के लिए जो है वो निकल चुके हैं। रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ओस या कह सकते हैं या बादल जो है वो आ रहा है, और पहाड़ों में जैसे जैसे जो है कि शाम ढलता है वैसे वैसे जो है आपको बादल जो है वो दिखने को मिलेगा रोड पे। अभी जो है वो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे जो है बादल जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और वो जो है पूरा धुंधला सा जो है यहाँ पे मौसम बना देता है। और यहाँ पे जो है नया ड्राइवर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ड्राइव करना। ये एक और वाटरफॉल है, यहाँ पे जो है हम लोग तो नहीं रुक रहे हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो रुक सकते हैं। मैं रास्ते में जो है वो कुछ टाइम लैप्स लिया हूँ वीडियो, जो कि आप वो देखें, और उस जाकर मैं मिलता हूँ आपसे जो है वो गैंगटॉक में। हम लोग पहुंच चुके हैं गैंगटॉक अब, और टैक्सी वाले भैया जो है वो हम लोग को एमजी मार्ग के पास ही छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि एमजी मार्ग पे जो है वो इस टाइप की टैक्सी जो है वो जाना अलाउ नहीं है। तो भैया बताए हैं कि वो यहाँ से जो है हम लोग जो है चल के वो एमजी मार्ग जो है जा सकते हैं। वैसे तो आपको बादरा टैक्सी स्टे नहीं छोड़ा जाता, लेकिन भैया ने वो जो है यहाँ पर छोड़ दिया, उन्होंने बोला यहाँ से आप पैदल जो है वो नीचे जा सकते हैं। जहाँ पे टैक्सी वाले भैया जो है हम लोग को ड्रॉप किए थे, यहाँ पे जो है कि स्कूल है, जहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं।
यहाँ से जो है आप एमजी मार्ग के लिए नीचे उतर सकते हैं। मैं जो है यहाँ से जो है वो अब एमजी मार्ग के लिए जा रहा हूँ। मेरा होटल भी जो है वो एमजी मार्ग पे ही है। इस ब्लॉग में यहीं तक। नेक्स्ट ब्लॉग में जो है मैं जो है जाने वाला हूँ वो नॉर्थ सिक्किम, जिसका जो वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट वीक से मिलना स्टार्ट हो जाएगा चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और आप मुझे जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे जो है फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनों का जो है वो ख्याल रखिए।